बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं औरंगाबाद की, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब जिस तरह से अपनी दुआ फाउंडेशन के जरिए से कोरोना महामारी में जिस तरह से वो लोगों की मदद कर रहे हैं और जिस तरह से कोरोना वायरस के जो लोग जो दहशत कर रहे हैं और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को समझकर औरंगाबाद के एमपी उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में जो हॉस्पिटल में परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को समझकर वहां जाकर हॉस्पिटल के लोगों के साथ मिलकर पेशेंट को वो फूड और राशन किट बांटते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से इस कोरोना काल में जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी काम कर रही है, आपको पता ही होगा कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह से लगातार आज चौथा दिन है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चंद्रयान गुट्टा में जिस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं और जिस तरह से वहाँ पर लगातार 4000 फैमिली को वो राशन किट बांट रहे हैं और ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक का वो इंतज़ाम लोगों को करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो लोग इस कोरोना वायरस से परेशान हाल हैं उनके लिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से फ्री में ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। आप सभी को पता ही होगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में जिस तरह से हैदराबाद में काम किया जा रहा है काबिले तारीफ है। जिस तरह से दो दिन पहले जो जोमेटो के डिलीवरी बॉय थे उनकी गाड़ियों को सीज कर दिया गया था, उसके पोर्ट में आकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मैदान में उतर कर जिस तरह से उन जोमेटो बॉय और स्विगी के जो लोग डिलीवरी बॉय हैं उनके सपोर्ट में आकर उन्होंने जिस तरह से हैदराबाद पुलिस के साथ जो डिलीवरी बॉय पर जो जुल्म सितम हुआ उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और जो चालान किया गया था उसको माफ़ करवा कर उनको उनकी गाड़ियों को जो सीज कर दिया गया था उनकी गाड़ियों को वो पुलिस की तरफ से जो जब्त की गई गाड़ियों को वो जो जिन लोगों की थी उनको लौटा दिया गया है। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी लगातार हैदराबाद बिहार कर्नाटका उत्तर प्रदेश गुजरात इन जगहों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपने काम के ज़रिए से लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर रही है। और आपको पता ही होगा कि किस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब इस कोरोना महामारी में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और जो लोगों की मदद कर रहे हैं आज उसी का ये नतीजा है कि लोग उनको इतनी दुआओं से नवाजते हैं और लोग उनको दिलों से चाहते हैं। आज ये काम देखकर वहाँ के लोग और वहाँ की आवाम मजलिस का साथ दे रही है और बढ़ चढ़ कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल हो रही है। तो आप सभी मिलकर मजलिस के लिए दुआ करें, जिस तरह से मजलिस के एमपी और मजलिस के कार्यकर्ता और मजलिस के कारकुन जिस तरह से काम कर रहे हैं उनकी सेहतों के लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला इस कोरोना वायरस से सभी को निजात अता फरमाए और जल्द से जल्द इस कोरोना वबा को इस दुनिया से ख़ात्मा कर दे। और आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा के हमारे ऐसे ही न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।